तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी अनबैन के ऊपर, और पबजी अनबैन के ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हैं, और पबजी अब कोलैबोरेट कर रहा है एयरटेल के साथ, और इस कोलैबोरेशन का क्या फ़ायदा होने वाला है, और पबजी कब तक अनबैन होने वाली है, इस वीडियो में हम फुल डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी कुछ देर पहले एक आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है, पबजी प्रमोट्स नाउ इन टॉक विद एयरटेल फॉर गेमिंग राइट। पबजी अब कोलैबोरेट कर रहा है एयरटेल के साथ, जितना पहले कोलैबोरेट करने की कोशिश की है जियो रिलायंस के साथ, ताकि PUBG अनबैन हो सके इंडिया में। तो गाइस इस आर्टिकल में ये लिखा गया कि PUBG कॉर्पोरेशन फुल ट्राई कर रहा है कि PUBG को अनबैन कर सके इंडिया में, और PUBG और जियो रिलायंस की रोसी कंजर्वेशन वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची। तो गाइस अब हमें PUBG और रिलायंस की पार्टनरशिप देखने को नहीं मिलेगी। और आप यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू इन ट्रैकर, PUBG इन अर्ली कंजर्वेशन विद एयरटेल फॉर हैंडिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन राइट टू द टेलीकॉम जायंट। गाइस PUBG अभी अर्ली कंजर्वेशन में है एयरटेल के साथ, अभी बात स्टार्ट हुई है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, क्या PUBG और एयरटेल कोलैबोरेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं पता। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी कि PUBG और जियो रिलायंस कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जियो की तरफ से PUBG को कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, PUBG की तरफ से अर्ली कंजर्वेशन स्टार्ट की गई है, एयरटेल की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया। तो गाइस अगर PUBG और एयरटेल कोलैबोरेशन करेंगे तो हमें जल्दी ही PUBG इंडिया में अनबैन देखने को मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि PUBG कब अनबैन होने वाली है। तो गाइस मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको टोटली समझ आ जाएगी कि PUBG कब अनबैन होने वाली है। तो गाइस जैसे PUBG बैन हुई, PUBG प्ले स्टोर से तो हट गई। प्ले स्टोर में अब काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं। प्ले स्टोर में अभी Among Us आई है, ग्रीना फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, और भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं। PUBG के बैन होने के बाद इन सब गेम्स को डाउनलोड का बूस्ट मिला, सबके डाउनलोड्स इंक्रीज़ हो गए। आप Among Us को देखें तो 85 मिलियन डॉलर्स इंक्रीज़ हो गए हैं। आप ग्रीना फ्री फायर को देखें तो उसके 9.6 मिलियन डॉलर्स इंक्रीज़ हो गए हैं। तो गाइस PUBG के बैन होने के बाद यही चल रहा है। गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि 4G रिलीज़ होने वाली है। 4G अक्टूबर के एंड में रिलीज़ हो जाएगी, और 4G की रिलीज़ होने के मैक्सिमम 1 to 2 के मंथ के बाद PUBG अनबैन हो जाएगी। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी शॉर्टी से कैसे कह रहा हूँ। तो गाइस सिंपल सी बात है, जो भी न्यू गेम आ रही है उसको अच्छा डाउनलोड बूस्ट मिल रहा है। Among Us आई है, उसको 85 मिलियन का डाउनलोड बूस्ट मिला है, और इसी तरह जब 4G आएगी तो 4G को भी इसी तरह का डाउनलोड बूस्ट मिलेगा। तो गाइस जो गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया हुआ है PUBG पर वायलेंस नेचर का, तो गाइस अगर गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू रखेगी तो चाहे PUBG एयरटेल के साथ कोलैबोरेट करे या किसी के साथ भी कोलैबोरेट करे, PUBG अनबैन नहीं होने वाली, क्योंकि PUBG की नेचर वायलेंस है, और ये एलिगेशन PUBG रॉन्ग साबित नहीं कर सकता। तो गाइस PUBG वायलेंस नेचर है, रीना फ्री फायर भी वायलेंस नेचर है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी वायलेंस नेचर है, और जो 4G आ रही है वो भी वायलेंस नेचर है, लेकिन PUBG के साथ कुछ ज़्यादा प्यार है तो इस वजह से उसको बैन कर दिया गया है। तो गाइस फर्स्टली अगर PUBG को अनबैन होना है तो गवर्नमेंट को ये एलिगेशन ख़त्म करना होगा, और सेकेंडली PUBG ने एयरटेल के साथ तो कोलैबोरेट कर लिया है, और होपफुली गवर्नमेंट अपने एलिगेशन वापस ले लेगी और PUBG इंडिया में अनबैन हो जाएगी, और होपफुली हम स्पोर्ट में मोर्टल और स्काउट को फिर दोबारा देख सकें। तो गाइस अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।